हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे तीन ओट्स की अलग अलग रेसिपीज। और आज हम जो ओट्स यूज़ करने वाले हैं वो है फास्ट एंड अप के गुड ईट्स के मसाला ओट्स। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे हमें ओट्स के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, बट ये फास्ट एंड अप में एक स्पेशल जो चीज़ है वो ऐड करके हमें मिलने वाली है, और वो है प्रोटीन पाउडर। जी हाँ, ये 45 ग्राम का जो एक पैकेट आता है उसमें 10 ग्राम जो है हमें प्रोटीन पाउडर ऐड करके मिलने वाला है। और जो ये फास्ट एंड अप के ओट्स हैं वो हमें दो फ्लेवर में मिल जाते हैं, एक टोमेटो ट्विस्ट वाला और एक मस्त मसाला वाला। तो आप अपना मन चाहे जो भी फ्लेवर हो वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर 45 ग्राम का जो ओट्स का पैकेट है वो आपको 45 रुपीज़ में मिल जाएगा, यानी कि पर ग्राम जो है हमें 1 रुपीज़ का मिल जाएगा। इतना इंस्टेंटली और हेल्दी ब्रेकफास्ट का ऑप्शन हमें मिल रहा है। मार्केट में जो है नॉर्मल ओट्स मिल जाते हैं, उसमें कोई प्रोटीन पाउडर नहीं होता है और इसमें सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ही यूज़ की गई हैं। तो चलिए हम रेसिपी को भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे शेजवान ओट्स की रेसिपी। जी हाँ, ये शेजवान ओट्स बनाएंगे हम, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनने वाली है रेसिपी। तो एक पैन में जो है हम ऑयल लेंगे 1 टीस्पून जितना, और उसी में बारीक चॉप किए हुए लहसुन, अदरक और लाल मिर्च होती है फ्रेश वाली, उसे ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गाजर, कैप्सिकम, ऑनियन इनका यूज़ किया है। आप अपने मन चाहे जो वेजीज होती हैं उनका यूज़ कर सकते हो। तो हल्का सा सारी वेजीज को सौते करना है ऑयल में, क्योंकि यहाँ पर मैं शेजवान ओट्स बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं टोमेटो ट्विस्ट वाला फ्लेवर यूज़ करूँगी। तो सब्जियाँ अच्छे से सौते होने के बाद हम पानी ऐड कर देंगे, उसमें 1/2 टीस्पून जितना रेड चिली सॉस, 1/2 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून जो है टोमेटो सॉस ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार नमक और 1 से 2 टेबलस्पून यहाँ पर हम टोमेटो भी ऐड कर देंगे, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बॉईल आने देंगे। यहाँ पर बीटरूट यूज़ करने से हमारे जो ओट्स का कलर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा, रेडिश, जो शेजवान राइस या फिर शेजवान नूडल्स में होता है। तो पानी बॉयल होने के बाद ओट्स हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक पैकेट यानी कि 45 ग्राम ओट्स के पैकेट के लिए यहाँ पर 200 ml पानी यूज़ करना है हमें। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पका लेंगे, और ये हमारे इंस्टेंटली ओट्स जो हैं शेजवान वाले वो रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हैं। अगर आपके पास अर्ली मॉर्निंग टाइम नहीं होता है ज़्यादा हेल्दी खाने का, तो ये फास्ट एंड अप के जो ओट्स हैं वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम आप दूसरी रेसिपी बनाएंगे, हम बनाएंगे ओट्स का चीला। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है मस्त मसाला वाला फ्लेवर। तो यहाँ पर मैंने कुछ वेजीज ऐड की हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक यूज़ किया है एक्स्ट्रा, और ये चीले को जो है हल्का सा बाइंड देने के लिए बेसन और जो चावल का आटा होता है उसका यूज़ करेंगे 2-2 टेबलस्पून, और एक पैकेट जो यहाँ पर मैंने ओट्स का यूज़ किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पानी ऐड करके एक घोल बना लेंगे, जैसे हम पकोड़े के लिए बनाते हैं उस तरह से। क्योंकि ये इंस्टेंट ओट्स हैं यानी कि रोल्ड किए हुए ओट्स होते हैं, तो वो इजीली पक जाते हैं, इनको बिल्कुल भी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें इस फास्ट एंड अप के जो ओट्स हैं उनमें पी प्रोटीन भी मिलता है, और स्पाइसेस, कार्डमम, जो भी टोमेटो पाउडर, ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर हमें नहीं दिया जाता है। तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है हमारे लिए। तो ये देखिए, इस तरह से मिक्सचर बनाकर इसे 15 से 20 मिनट रख सकते हैं ताकि ओट्स जो है वो अच्छे से पानी को सोक कर लें। तो इस तरह से एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, और जो चीला होता है, हम चीला बनाते हैं उस तरह से इसे भी स्प्रेड कर देंगे इस बैटर को, और ढक कर कम से कम 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे। यहाँ पर अंदर हमने बैटर में सारी वेजीज ऐड कर दी हैं, बस टोमेटो मैं ऊपर से डाल रही हूँ। तो हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे और इसे ढक देंगे और पका लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, अब फ्लिप कर देंगे और हल्का सा प्रेस करते हुए इसे दोनों साइड से जो है वो अच्छे से कुक कर लेंगे, और हमारा इंस्टेंटली ओट्स का चीला जो है वो भी रेडी है। नॉर्मल ओट्स जो है हम रेगुलर खाते ही हैं, तो इस तरह से आप भी इस ओट्स के चीले को जरूर ट्राई कीजिए। इसमें प्रोटीन पाउडर आता है, वेजीज है, सब कुछ है, एक ही चीले में आपको इतनी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी तरह से आप भी इस चीले को बनाइए और अपना ब्रेकफास्ट हेल्दी तरीके से इंजॉय कीजिए। अब हम जो रेगुलर ओट्स बनाते हैं वो भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, ये फास्ट एंड अप के ओट्स। तो एक पैन में हम 200 ml पानी लेंगे, उसमें अपने मन चाहे वेजीज ऐड कर देंगे, और यहाँ पर मैंने मसाला जो ओट्स हैं वो ऐड कर दिए, और अच्छी तरह से मिक्स करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, हमें 2 से 3 मिनट इसे पका लेना है। और ये भी हमारे जो टेस्टी इंस्टेंट हेल्दी
ओट्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। नॉर्मल जो मार्केट में ओट्स मिलते हैं वो 35 ग्राम जो है हमें 15 to 20 rupees में मिल जाते हैं। ये फास्ट एंड अप के जो ओट्स हैं हमें 45 ग्राम के जो हैं उसमें 10 ग्राम हमें प्रोटीन पाउडर मिलता है जो कि 100% वेगन है, वो 45 रुपीज़ में पड़ता है, यानी कि 1 ग्राम जो है ओट्स का हमें 1 रुपए में मिलता है। तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो हमारे ओट्स भी रेडी हैं, आपको अगर ये ओट्स परचेस करना हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, उस लिंक से आप डायरेक्टली ये ओट्स परचेस कर सकते हो। तो आप फास्ट एंड अप का कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेस कर रहे हो तो मेरा कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 7 to 10% तक का। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।